आज दिन भी बहुत ऑस्पिशियस है और मैंने सोचा क्विकली एक क्रैश कोर्स करता हूँ जो प्लैनेट्स के ऊपर आपको लिया था, सो दैट आप समझ पाएंगे। ये हम भगवान राम जी का कुंडली ले रहे हैं। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु न्यूमरोलॉजी करते हैं, भगवान का नाम याद करके, मेरे जितने भी आप सुन रहे हैं या अपने घर वालों को भी स्टार्ट कीजिए, उधर से जितना भी नेगेटिव फोर्सेस है, नेगेटिव एनर्जी है, वो किल हो जाएगा। सो क्विकली वी विल कम टू आवर पॉइंट। देखिए भगवान राम जी का कुंडली में आप देख रहे हैं, हम जो प्लैनेट्स की बात बोल रहे हैं, प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, ये बिगनर्स के लिए भी क्विक क्रैश कोर्स 15 मिनट में खत्म करेंगे और उसके बाद हम केपी और जैमिनी आज करके वीकेंड्स में आपको मास्टर कर देंगे, राइट? तो मैं ये 15 मिनट का समराइज करूंगा। आपको तो डिटेल क्लास किया है, पर ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये हमारा 300 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम द फैमिली हेरिडिटरी, राइट? तो लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, राइट? एंड पॉइंट बाय पॉइंट नोट कीजिए, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ आप भी नोट कीजिए। आपका केतु पावरफुल होगा, केतु को पावरफुल कर देंगे ना, एक मैलेफिक खत्म, उसको बेनिफिक कर दिया, राइट? तो हमेशा मैं जब लिख रहा हूँ आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए, केतु पावरफुल होगा। ये एक रेमेडी मैंने आपको दे दिया वीडियो के स्टार्ट में, राइट? हमेशा लिखिए। तो हम क्विकली आएंगे राम जी के कुंडली में। आप देख रहे हैं जुपिटर मून लग्न लॉर्ड में बैठे हुए हैं, राइट? फर्स्ट हाउस में। सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठे हैं, हमेशा काउंट मैंने जैसे बोला था 1 2 3 4, राइट? राहु सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, वन ऑफ द ऑस्पिशियस प्लेस टू फॉर राहु, राइट? राहु का 3 6 10 11 रहता है। मार्स सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, नॉट सो गुड, इसलिए भगवान राम जी का थोड़ा फैमिली लाइफ में देयर वर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, विल कम टू दैट लेटर। वीनस बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, शुक्राचार्य, राइट? गुरु शुक्राचार्य धर्म के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। मर्कुरी बैठे हुए हैं उनके गेन के घर में, और केतु द बेस्ट प्लेस इज द लिबरेशन, राइट? मोक्ष के प्लेस में, राइट? हम भगवान राम जी के कुंडली को लेके ही रेफरेंस लेके स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जुपिटर वाज फर्स्ट, मून वाज सेकंड, सैटर्न थर्ड में है। मैं उसी के हिसाब से आपको क्विकली उसका प्लैनेट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूंगा। मार्स इज द फिफ्थ वन, वीनस सिक्स्थ वन, मर्कुरी, राइट? सेवेंथ वन, एंड देन आई थिंक डिड वी लीव एनीथिंग, एंड देन वी हैव केतु, आई थिंक देयर इज द सन इज मिसिंग इन द टेंथ लॉर्ड, राइट? जहां पे नेम और फेम। सो भगवान राम जी के लाइफ में जितना भी स्ट्रगल आया, फिर भी उनको लाइफ में हमेशा सब कुछ थोड़ा देर से मिला, पर मिला, राइट? एंड इफ यू इवन इफ यू सी ऑल दोस पीपल हु आर हैविंग जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो ये बड़े बड़े जो भी बड़े पोजीशन में पहुंचे हैं, राइट? इवन द नारायण मूर्ति ऑफ द वर्ल्ड, आईटी, अंबानी अडानी का ले लीजिए, या मैंने जैसे बोला पॉलिटिक्स में ले लीजिए, या इन एनी फील्ड, राइट? इन द क्रिकेट फील्ड ऑल्सो, इफ यू सी सचिन तेंदुलकर, राइट? सो यू यू शुड वर्क टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ सिचुएशन रैदर देन ओवरनाइट सक्सेस, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे जुपिटर से। जैसे क्विकली कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलूंगा, मैं रेगुलर नहीं बोलूंगा, जो नॉलेज है ये है वो तो आप सब जानते ही हैं। सो हम जो मेन चीज है आपको हमेशा याद रखना है, जीव आत्मा, राइट? तो ये आप जीव हैं, आप खुद ही हैं, सो यू आर द जुपिटर योरसेल्फ, राइट? और ये हस्बैंड का भी कारक होता है लेडीज के लिए, राइट? तो आप लोग, मैं जैसे ही नोट्स ले रहा हूँ, आप इमिडिएटली अपना नोट्स चालू कर दीजिए। ये ले, आपका केतु पावरफुल होगा, उधर से ग्रेस भी मिलता है, लक भी मिलता है, और फॉर्चून, राइट? ये स्टार्ट करने में, एंड में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ लेंगे तो आपका जब जब भी आपका महादशा पीरियड आता है, महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा और ये प्रति अंतरदशा, राइट? तो ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमेशा ये दशा के हिसाब से देखिए कि कैसा दशा आपका जाता है, एंड सिमिलरली यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ। सो मैं कलर कोडिंग डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि जिनको लिखने में थोड़ा परेशानी हो, स्क्रीन भी ले सकते हैं, पर मेरा सजेशन है आप टाइप कीजिए मेरे के साथ, राइट? और ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है थोड़ा इग्नोर कीजिए, बिकॉज विल क्विकली कंप्लीट दिस क्लास, राइट? सर मैंने बोला जीव है, लक है, फॉर्चून है,
और क्या है, राइट? सो भगवान राम जी वॉज द प्रोटेक्टर, राइट? सो प्रोटेक्शन देते हैं, जो जिनका लग्न में जुपिटर बैठे हुए हैं, राइट? प्रोटेक्शन होते हैं. तो इवन आई हैव द सेम थिंग वेयर यू नीड टू हेल्प द वर्ल्ड, राइट? और वो हमेशा गाइडेंस भी देते हैं, और सबसे बड़ा चीज, राइट, एक्सपेंशन कराते हैं. सो आई एम राइटिंग इट इन कैपिटल लेटर, राइट? और आप खुद ही गुरु हैं, राइट? सो आप खुद ही गुरु हैं, और प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं घर को, राइट? जैसे मैंने बोला, जो जुपिटर का महादशा अंतरदशा पर डिपेंड्स ऑन, मैंने जैसे बोला, ये आपका डिपेंड करेगा प्लेसमेंट्स के हिसाब से. एक पैक होता है, राइट? प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शंस, राइट? और लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो विल कम इन टू पिक्चर. जैसे इसका भाव चलित देखना पड़ेगा, आपको अपना नवांशा देखना पड़ेगा, फिर जैमिनी में जाके देखना पड़ेगा, जो आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरा रैपिड क्लैश करेंगे और कंप्लीट होगा. उसके ऊपर आप लग्न चार्ट देख सकते हैं, और भी जो जितने भी चार्ट्स हैं, आपको यदि स्टडी करना है, जो ट्रांजिट्स होते हैं, राइट, ट्रांजिट्स का भी फैक्टर रहता है, राइट? तो ये जुपिटर का हो गया है. सो हम मून लेंगे, राइट? मून आप जान लीजिए, मैं जो भी कैपिटल लिखूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आप नोट कीजिए, कैपिटल मीन्स मून तो है, तो चीटिंग होगा आपके साथ. तो केयरफुल रहिए, किसी के आपको रेमेडीज करना होगा, आपको तब सॉल्यूशंस फॉलो करना होगा, उससे आप ये बैड थिंग से बच सकते हैं, राइट? यू कैन कम आउट ऑफ द बैड सिचुएशन. मून है ट्रैवल, राइट? मून इज आल्सो रिलेटेड टू फूड. और क्या है, आई थिंक द फर्स्ट फीमेल चाइल्ड, यदि आपके घर में बेटी होती है, राइट, मैं बोलता हूँ लक्ष्मी, राइट? लक्ष्मी जी आते हैं, सब लोग बोलते हैं बेटी हुआ बेटा नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ अरे लक्ष्मी जी आए हैं, समझ लीजिए आपका 100 जन्मों का वो क्या है, पुण्य मिला है, राइट? सो ऑलवेज एनकरेज बेटी चाइल्ड. और मून क्या होता है, सबसे बड़ा, कोई बोलता है मेरा रिलोकेशन, मैं थक गया हूँ काम से, मून दिखाएगा आपको रिलोकेशन, राइट? मून दिखाएगा आपको रिलोकेशन, और वापस आके अपना यू कैन फॉलो योर पैशन, और यू कैन बिकम योर ओन बॉस, राइट? सो ये है मून, मून का कारक, राइट? और मून ये भी करता है चीटिंग के, यदि चीटिंग से बच गए तो इट ऑल्सो क्रिएट ब्लेम्स, ब्लेम गेम, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? सो ये फॉलो कीजिए. मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक ये कर देता हूँ, सो दैट द लाइन इज सेपरेट एंड पीपल आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस. मैं ये सिर्फ क्या क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, और डिटेल स्टडी हम करेंगे, जैसे मैंने आपको क्लास में समझा है. ये एक क्रैश इमीडिएटली काम करता है, मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है. उसके ऊपर भी मून का लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोर देन 60-100 है, और जुपिटर का तो अराउंड 200 समथिंग विल कम, राइट? सो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आप नोट कर सकते हैं. सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्विकली विल कवर अप, राइट? सैटर्न, सैटर्न क्या है, जल्दी से बोलिए. मैंने जैसे बोला, हमेशा याद रखिए प्रोफेशन है, राइट? तो आपका प्रोफेशन जो काम करते हैं, राइट, सो इसलिए मैं उसको कर्म कारक बोलता हूँ, राइट? कर्म कारक, राइट? और क्या है, जो ये आई एम राइटिंग इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट वांट टू राइट दिस इन कैपिटल, क्योंकि ये सबका केस नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड हस्बैंड, जो सेकेंड मैरिज होता है, तो ये याद रखिए. फर्स्ट मैरिज का मैंने जैसे बोला, यहाँ पे है फर्स्ट मैरिज जुपिटर है, राइट? और सेकेंड मैरिज में ये कोई नहीं बताएगा, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और उसके ऊपर आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सैटर्न, राइट? और क्या है, आप अंडरग्राउंड, राइट? और बहुत से चीज है, मैं कॉमन चीज नहीं लिख रहा हूँ. सो आई एम राइटिंग समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, राइट? मेरा जो 300 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, उस एंगल्स में हम लिख रहे हैं, राइट? सो अर्थ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अर्थ का आइटम्स, राइट? सो दैट्स द ओवरऑल फ्रॉम द सैटर्न साइड, राइट? उसके बाद हम आएंगे राहु के पीरियड में. सो सैटर्न, जैसे हमने बोला, ये कलर कोडिंग हम कर देंगे, सो दैट
यू हैव ए इजी पोटेशन। फिर राहु में आते हैं, राइट? राहु इज वी से द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ सैटर्न इज राहु एंड केतु, राइट? तो राहु क्या है, आप राहु का एलिमेंट्स जानेंगे। राहु इज दिस विजन, बड़ा सोचिए, राइट? बड़ा 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 सोच, राइट? डोंट डो, मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं, डोंट थिंक स्मॉल, राइट? और छोटा सोच सोच मत रखिए। और एक सैटर्न का कोई नहीं बोलता, आई विल टेल यू, डोंट क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज और मेक फन ऑफ पीपल, फन ऑफ पीपल। और बैड, आपका बैड क्या है, कर्म क्रिएट होता है। जैसे ये है गुड कर्म, यदि आपका ये गुड और बैड, क्योंकि गुड और बैड, राइट, यहाँ पे दोनों है, क्योंकि प्रोफेशन में कभी कभी अच्छा भी होता है और नहीं होता है। पर जब आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, डोंट, और डोंट मेक फन, राइट, नहीं तो बैड कर्मा क्रिएट होता है और उधर से ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, राइट? सो डोंट डू दैट, राइट? वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली आई एम सेइंग, सो ये फॉलो कीजिए। सो यहाँ पे राहु को मैंने जैसे बोला, बड़ा सोच रखिए, राइट? उसके ऊपर, राइट, इट्स मैंने क्या बोला था, जुपिटर इज एक्सपेंशन, सो राहु इज सुपर एक्सपेंशन, राइट? सो यहाँ पे ये मैंने जो जुपिटर का एक्सपेंशन बोला था, ये दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंशन, राइट? सो वील यूज ए कलर कोड। सो दिस इज एक्सपेंशन, राहु इज सुपर एक्सपेंशन, राइट? सो ये होता है। क्वेश्चन और आंसर हम क्लास के एंड में लेंगे, तो आप तब तक ये नोट कीजिए, जैसे मैंने बोला केतु को पावरफुल करने के लिए। सो ये मैं क्विकली खत्म कर रहा हूँ इन अनदर 5 मिनट्स, एंड देन विल गो टू द लार्जर क्लासेस, राइट? सो राहु इज ऑल्सो नोन एज अननोन थिंग्स, राइट? सो बी प्रिपेयर टू एनकाउंटर दोज थिंग्स इन योर लाइफ ड्यूरिंग राहु महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा। और राहु क्या करता है, इनसिक्योरिटी भी देता है, सब कुछ देता है, बट देन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। सो दैट एंड ऑल्सो ए काइंड ऑफ डीप रूटेड डिजायर, राइट? सो राहु डिजायर है बट इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करता है, राइट? एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका यदि दूसरा बेटी है, राइट, घर में, तो दैट इज कॉल्ड एज राहु, राइट? सो राहु दूसरा बेटी है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ, जिनको हिंदी में जानना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई नहीं बोलेगा, ये हमारा 300 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो राहु का, दीज आर द एलिमेंट्स, हमने जो डिटेल्ड में क्लास किया उधर से आप ले लीजिए, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। फिर मार्स में आएंगे, राइट? भगवान राम जी का हमने जुपिटर, मून, सैटर्न, राहु, फिर मार्स में आएंगे। हम राम जी का कुंडली लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं जस्ट डिजाइन के लिए ये यूज कर रहा हूँ क्विकली, सो दैट विल वाइंड अप द क्लास क्विक। सो वीनस इन अनदर 5 मिनट्स, एज आई सेड, विल वाइंड अप द क्लास। सो आप मेरे से धैर्य रखिए, और उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपना रेगुलर क्लास जारी रखेंगे, राइट? मार्च क्विकली बोलिए, मार्च का जो हमने एग्जैक्ट, ये नॉर्मल मत बोलिए, मार्च इज ऑल अबाउट आर्मी या डिफेंस, राइट? आपको आर्मी या डिफेंस में जाना है, तो जितने लोग आर्मी और डिफेंस में है, तो मार्च उनका बहुत अच्छा काम करता है, राइट? मार्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू, यू नो, वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम ऑफ मार्स इज रिलेटेड टू कॉन्स्पिरसी, राइट? सो आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मार्स का महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा एक्टिवेटेड है, तो आप देख के रहिए, ये कॉन्स्पिरसी से, यू नो, यू अवॉइड दोज कॉन्स्पिरेशन। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हस्बैंड, जैसे जुपिटर है, इसको भी फर्स्ट हस्बैंड कहा जाता है लेडीज के कुंडली में, राइट? एंड तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, द अदर थिंग्स आर वेरी जनरल, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीक्रेट एंड अदर विच इज नॉट रिटन। जैसे मैंने बोला फोर्सेस, राइट? सो सिर्फ आर्मी नहीं है, नेवी है, एयरफोर्स है, सो ऑल द फोर्सेस, राइट? एंड इवन यू कैन ऑल्सो बी एन मेंटर, राइट? सो वन ऑफ द थिंग इन सैटर्न इज ऑकल्ट साइंस, राइट? जब भी आपका ज्योतिष पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऑकल्ट साइंस दिखाता है। जुपिटर इज ऑल्सो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, राइट?
सो यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी आ जाता है, सोकल साइंस, एंड राहु विल हेल्प इन आपको हेल्प करता है इन हेल्प इन बिल्डिंग ए कैरियर, बिल्डिंग ए बिजनेस एम्पायर, राइट। ये भी कोई नहीं बोलेगा इफ यू आर डूइंग सैटर्न या शाटन का कारक, राइट, जो कि मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी बोला या एनीथिंग एल्स, राइट, जो भी ऊपर लिखा है अब, राइट, सो यू कैन फॉलो दैट। सो मार्स का मेंटर मैंने बोल दिया, नाउ विल हैव शुक्राचार्य, राइट, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में बोलेंगे। तो जैसे बृहस्पति जुपिटर है ऑस्पिशियस, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट वीनस जुपिटर से भी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने शिव जी का तपस्या किया 12 साल से, तो उनको संजीवनी विद्या है। सो जब भी आपका बात सच होगा, या क्योंकि ये महादशा अंतरदशा में आप जो बोलेंगे एक सिद्ध पुरुष के हिसाब से, क्योंकि आपके पास वो संजीवनी विद्या है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, इवन बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो ये यदि इफ यू यूज इट इन ए गुड डायरेक्शन, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग एज ट्रूथ, बट इफ यू यूज इट इन बैड डायरेक्शन, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। सो आप बी केयरफुल, सो वर्क फॉर यू, सो आपका इंटेंशन बी वेरी केयरफुल, राइट। जब मैं केतु में आऊंगा, तो केतु इज वन ऑफ द थिंग इज कॉल्ड एज इंटेंशन। अपना इंटेंशन क्लियर कीजिए कि क्या चीज है आप करना चाहते हैं। संजीवनी से आप लोगों का भला करना चाहते हैं, सो शुक्राचार्य हेल्प करेंगे, सो इन दैट सेंस, एंड यू यू कैन क्रिएट ए बिग नेम फॉर योर सेल्फ, राइट। सो दैट्स अबाउट फ्रॉम द वीनस साइड। बट उनका सबसे बड़ा, जैसे लोग बोलते हैं, वेल्थ के कारक है बृहस्पति, हाई वेल्थ देते हैं, हाई मनी देते हैं, बट वेल्थ में, और राहु सुपर एक्सपेंशन करते हैं। राहु इज ए शैडो प्लैनेट, राइट, सो शैडो के हिसाब से वो दूसरे ग्रह को फॉलो करेंगे जो बाकी प्लैनेट से, राइट, सो उनका कुछ वजूद नहीं है। तो जैसे वो जुपिटर को फॉलो किए वीनस को, सो राहु विल हेल्प है आपका। यदि प्लस राहु है आपका, मैंने जैसे बोला भृगु नंदी नाड़ी में, यदि 212 एक्सिस में राहु है या 159 में राहु बैठा हुआ है, तो ये आपको बिलियनरी या ट्रिलियनरी भी बना सकता है। आप मिलियनरी में मत चुप रहिए, राइट। तो यदि आप सोच रहे हैं मैं मिलियनरी बन गया, सब कुछ हो गया, तो आप और भी ऊपर जा सकते हैं। बस आप रेडी होना चाहिए, गुड इंटेंशन में काम करना चाहिए, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जुपिटर इज नॉलेज, राइट। दिस वीनस इज कॉल्ड रिफाइंड नॉलेज, राइट। आज हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, रिफाइंड नॉलेज, मैं जनरल चीज नहीं बोल रहा हूँ, जुपिटर है नॉलेज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और वीनस है रिफाइंड नॉलेज, क्योंकि उनको शिव जी का आशीर्वाद मिला है वेल्थ के ऊपर से। वो दैत्य गुरु भी है, गुरु है, सो वो भी गुरु है, और रिफाइंड नॉलेज जो कि हेल्प करता है आदमी को ऊपर जाने के लिए, राइट। एंड देन ऑल दोस क्लॉथेस एंड ऑल दोस स्टफ्स कम्स इन वीनस के टाइम में होता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग जब वीनस का आता है पीरियड, आपका महादशा अंतरदशा। नाउ विल गो टू द अनदर बेनिफिक प्लैनेट जो कि मरकुरी है, राइट। मेनी पीपल विल टेल यू अबाउट इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट स्टफ, बट मरकुरी जब भी आपका महादशा अंतरदशा में चले गए, आपका स्पीच देखा जाएगा, राइट। आप स्पीच में कैसे बोल सकते हैं, सो मरकुरी और वीनस का कंजंक्शन है, तो आप स्पीच में सुपर पावरफुल होते हैं। एक ह्यूमर क्रिएट करता है, बट आई थिंक दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। महा आपका डॉक्यूमेंटेशन, यदि मरकुरी अच्छा है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी पावरफुल। द वे आई एम क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, द वे यू पीपल आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, विच विल हेल्प यू लाइफ टाइम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं रहूं या ना रहूं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, जिंदगी लेगेसी बन के जा रहा है, राइट। सो यदि मरकुरी पावरफुल है, आप आज के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए, जनरेशन के लिए काम करके जा रहे हो, सो मरकुरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट। मर्कुरी इज ऑल्सो कॉल्ड एस, मैंने जैसे लिखा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, राइट। तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, हस्बैंड वाइफ का मैंने जैसे एग्जाम्पल बोला है, तो ऊपर वीनस का बोला एंड ऑल दोस प्लैनेट्स, सो मर्कुरी इज दोस फ्रेंडशिप, राइट। सो फ्रॉम दैट एंगल
एंड ये डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन मर्करी। एंड देन ये भी ज्योतिष का सेकेंड प्लैनेट है केतु के बाद, राइट? केतु फर्स्ट है, ये भी ज्योतिष का स्ट्रॉन्ग सेकेंड प्लैनेट रहते हैं, राइट? सो यदि आपका मर्करी महादशा अंतरदशा में, सब लोग ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सेकेंड प्लैनेट, ये गणेश जी का वाहन है, और उसके ऊपर आप कमीशन फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आपको कमीशन से भी इनकम हो रहा है तो, या फ्रेंचाइजी से, तो आप जान लीजिए आपका मर्करी का महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा ऑन है। और ये सोशल सर्किल भी दिखाते हैं, आज जो यूट्यूब और ट्विटर और जितने भी सब फेसबुक चल रहे हैं, ये सोशल सर्किल दिखा रहे हैं, राइट? सो आई थिंक वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ द सेशन। सन और केतु रहा, एंड विल क्विकली वाइंड अप। सन क्या है? नेम फेम सब बोलते हैं, राइट? ये तो कॉमन चीज है, हम लिख सकते हैं आपको यदि जब भी सन के पीरियड आता है, बट सन इज ऑल्सो रिलेटेड टू, सब लोग बोलेंगे फादर, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड ऑल दैट स्टफ, दैट यू कैन राइट, आई हैव रिटन दैट। बट यदि आपको जिंदगी में नेम फेम स्टेटस चाहिए तो सन का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, प्लस उनका कंजंक्शंस और एस्पेक्ट्स, राइट? वीनस जुपिटर के साथ होगा तो आपको नेम फेम स्टेटस मिलेगा, राइट? सन इज ऑल्सो फर्स्ट मेल चाइल्ड, राइट? जैसे मैंने बोला फर्स्ट डॉटर चाइल्ड इज ऊपर मैंने बोला है मून, राइट? आप अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट डॉटर चाइल्ड मून लिखा है, राइट? सो फर्स्ट मेल चाइल्ड इज कॉल्ड अ सन। इनको भी, ये पूरा फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, राइट? फैमिली, नॉट ओनली फादर, राइट? मेनी पीपल जस्ट से द फादर, बट इट्स फर्स्ट मेल चाइल्ड एंड द एंटायर फैमिली, राइट? और जहां पे सन बैठा है वहां पे आपका सोल है, आत्मा, वही काम आप करने के लिए जन्म लिए हैं, चाहे आप जो काम करें फाइनली वही काम करेंगे, तो आपको आपका पूर्व पुण्य भाव एक्टिवेट होगा, राइट? हम बोलते हैं हमारा पूर्व पुण्य भाव कब एक्टिवेट होगा, तब जब आप अपना सोल और आत्मा का काम करेंगे, आपका पूर्व पुण्य भाव एक्टिवेट होगा, राइट? एंड सन इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाई ऑथोरिटी, जो भी प्राइम मिनिस्टर और ये सब बैठे हुए हैं बड़े बड़े पोजिशंस में, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट और ये आप जाके उनके चार्ट्स में देखेंगे, बड़े बड़े बड़े, मैंने जैसे बोला कॉर्पोरेट हाउसेस, उनका सन भी वो इज इन ए वेल प्लेस्ड, त्रिकोण में है या यू नो केंद्र में। एंड देन फाइनली अनदर, आई थिंक वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, राइट? सो 1 मिनट में खत्म करते हैं। केतु, केतु मैंने जैसे बोला इंटेंशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी। जब केतु का महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा एक्टिवेट होता है इंसान एस्ट्रोलॉजी के तरफ, एंड दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, राइट? यहीं से ये भी एक बड़ा रेमेडी है, फर्स्ट प्लैनेट स्ट्रॉन्गली यू नो सजेस्टिंग, राइट? मैंने जैसे बोला। और केतु क्या करता है? डिटैचमेंट करता है, ये सब करता है, दैट इज फाइन, राइट? बट ओडीएन है, आपका रूट दिखाता है, राइट? केतु, और डिटैच इसीलिए करेगा तब आपको लेके ऊपर जाएगा, राइट? बड़ा प्रॉब्लम कहाँ कराता है? सर्जरी कराता है आपको, राइट? केतु महादशा में आपको गारंटेड गारंटेड 200% सर्जरी होगा। यदि नहीं हुआ तो आपका तपस्या त्याग ज्यादा है, आपने रेमेडीज पहले से किया है ये, और आपका फेवरेबल केतु काम कर रहा है, और बॉडी में कट्स आएगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू। आई विल जस्ट मेक सम ऑफ द थिंग्स इन कलर कोडिंग सो दैट वी विल क्विकली वाइंड अप बिफोर वी लीव। सो ये आप स्टडी कीजिए, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, और ऊपर से आपको कोई डिटेल्ड में कंसल्टेशन और जो क्वेश्चन है हम ले